आर्बिट्रेज प्रोसेस। करें हिम्मत, क्या होती है ये कहानी, सुनो। अपने एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो दो कंपनियां हैं, एक तो कंपनी हो गई एक्स, एक कंपनी हो गई वाई, ठीक है, अच्छी बात है। दोनों कंपनी का ईबीआईटी, अच्छा दोनों कंपनियां सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अब सेम इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, वो रियल एस्टेट हो, एफएमसीजी हो, ठीक है, या ऑटोमोबाइल हो, कुछ भी हो, दोनों सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और दोनों सेम नेचर की कंपनी है। देखो मैंने अजम्पशन भी लिखाई है आपको कि हम ये मानेंगे कि दोनों कंपनियों का रिस्क रिवार्ड सेम है। तो अब इसमें लोग कैसे आर्बिट्रेज प्रोसेस की हेल्प से पैसा कमा सकते हैं, जो मैं आपको एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, मान लो एक कंपनी है जिसमें ईबीआईटी है 40,000 और इसमें भी 40,000 रुपए, ठीक है, दोनों कंपनियां सिमिलर नेचर की है, दोनों का प्रॉफिट सेम आ रहा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 10,000 है एंड 10,000 है फिलहाल, ठीक है। तो आपका ईपीएस कितना आ रहा है, 4 और 4, और एमपीएस की बात करें, इसका शेयर 1 रुपए का है, 12 रुपए का है, और इसका शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, ठीक है। अब एक मिनट, अभी पीई पाई नहीं निकालना, सुनो। अब हमें क्या करना है, एकदम आराम से समझो। देखो भी मार्केट में हर बंदा समझदार होता है, हमारे मार्केट में कोई भी वैल्यू घटती या बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, डिमांड या सप्लाई की बेस पर, कि किसी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो बढ़ेगा, ठीक है, किसी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो वो बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी तो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बोली जाती है कि एक ना एक दिन उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उस पर आ ही जाता है। वो एक किसी राइटर की 2 लाइन लिखी गई है कि कोई बंदा अमीर या गरीब है ना, किस्मत से नहीं होता। मुझे नाम नहीं पता उस बंदे का, उसने क्या बोला, अगर पूरे दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा कर कर सबको बराबर बराबर बांट भी दिया जाए ना, तो एक टाइम के बाद, 1 साल 2 साल या 3 साल बाद, जो पैसा जो बंदा डिजर्व करता है उसके से इनडायरेक्टली पहुंच ही जाएगा, ठीक है। मतलब जो बंदे गरीब वही है जिसको पैसे की कीमत नहीं है, या फिर उस पैसे से वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, पैसे से कमा नहीं सकता, ठीक है, तो एक समय बाद उसके पास पहुंच ही जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं कि अब कोई भी कंपनी की वैल्यू, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी ट्रेडर उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर देता है, सप्लाई बढ़ाकर या घटाकर, लेकिन इनडायरेक्टली एक ना एक दिन तो उसकी वैल्यू बढ़ी जाती है, बराबर आई जाती है। जैसे मैंने आपको कोई टाइम पे एग्जाम्पल दिया था, मेरा बेस्ट एग्जाम्पल दिया था, कौन कौन ऑनलाइन है, दीक्षा जी है क्या, वेरी गुड। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था, मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका आईटीसी का। मैं कितनी बार लोगों को रिकमेंडेड किया है कि भाई आईटीसी खरीदो, आईटीसी खरीदो, क्यों? आपको इससे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ दूसरी कंपनी का, एचयूएल का, ठीक है। एचयूएल कंपनी और आईटीसी कंपनी लगभग सेम माल बेचती है, ठीक है, पिछले 1 साल में इसकी ग्रोथ है कितनी, 1%, ठीक है, 1% ग्रोथ है। क्यों है, क्योंकि ये अपने समय पर खूब भाग चुका, अपने समय पे खूब भाग चुका, फ्रॉम स्टार्टिंग पता नहीं कितना सारा भाग चुका, इतना भाग चुका इसकी हद नहीं है। पिछले 5 साल में भी इसने 38% के आसपास ग्रोथ करी है, या पिछले 1 साल में इसने नहीं कमाया। अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं अपन, आईटीसी की, मेरी फेवरेट कंपनी, ठीक है, हाँ चलो, 1 साल में कितना, 37%, ठीक है, और 5 साल में 67%। ऐसा क्यों हुआ कि ये बढ़ा, दोनों सेम कंपनियां हैं लेकिन एक कंपनी तो इस तरीके से बढ़ी है और एक कंपनी यो चली है। अब आप बोलोगे सर क्या बोलते हैं, कोई ना कोई रीजन हुआ होगा, नहीं, मेरे को आईटीसी कंपनी क्यों पसंद है, मेरे ऐसे तो नहीं घर वालों की कंपनी है, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ना मेरे दादाजी ने बोला था बेटा तो आईटीसी के साथ रहना, ठीक है, मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्लाइन थी और लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। मुझे पर्सनली लगा था कि जो इसके साथ ही कंपनी है वो एक लेवल के ऊपर जा चुकी है, अब उनकी ग्रोथ के फैक्टर्स कम है और आईटीसी में ग्रोथ के फैक्टर्स ज्यादा है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि लोगों ने खरीदा, क्या खरीदा, एचयूएल, मुझे एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट करना है, एफएमसीजी मतलब समझ गए होंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, मैंने क्या खरीदा, एचयूएल खरीदा। मेरे को लगा नहीं यार और कुछ खरीदते हैं, तो मैंने क्या खरीद लिया,
डाबर खरीद लिया, ठीक है, मैंने क्या खरीद लिया, डाबर, ये भी देखो डिक्लाइन एक साल के अंदर, क्यों डिक्लाइन है, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और फिर एक टाइम बाद जिनको लगा कि यार अब ये इस लेवल पे आ गई है, तो लोगों ने क्या किया, सुनना मेरी बात, लोगों ने क्या किया, इसको डाबर को, एचयूएल को, नेस्ले को बेचना स्टार्ट किया, तो बेचा, पैसा निकला, तो वो पैसा निकाल के इन्होंने कहां डाल दिया, आईटीसी कंपनी में डाल दिया, तो हुआ क्या, ये तो शेयर धीरे धीरे नीचे होने लग गए, धीरे धीरे ऊपर होने लगे, एक टाइम के बाद इनकी लगभग सबकी पीई बराबर आ जाएगी, ठीक है, ये इन्होंने प्रूव किया और ऐसा होता भी है, आप कोई भी इंडस्ट्री देख सकते हो, ऐसा होता ही है, चाहे कुछ ही हो जाओ, ठीक है, एक टाइम के बाद वो दोनों का जो लेवल है वो सिंपल लगभग बराबर आ जाता है, और आर्बिट्रेज प्रोसेस को ही बोलते हैं कि हमको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, जैसे कि मैं शिव को बोलता हूं, शिव मेरी मानता नहीं है, मैं करूं क्या, लेकिन ठीक है, इट इज ओके, देखो, और आपको मैं, हो सकता है आपकी क्लास खत्म होने से पहले बता दूं, आईटीसी, ये देखो इसका पी कितना है, 86 पी है, ठीक है, 86 पी है, एक साल में कितना 16% बढ़ गया, 5 साल में 77% इंक्रीज हो गया, ठीक है, अपन दूसरा शेयर लेते हैं, एचडीएफसी लाइफ, ठीक है, पिछले एक साल में कितना देखो 14% बढ़ गया और 5 साल में 70%, ये दोनों परसेंट लगभग सेम चले, अब और इनका पी देखो 98-86% है, और अगर मैं आपकी जगह होता हूं, और अगर मैं बाय द वे आईसीआईसी प्रूडेंशियल का या एचडीएफसी लाइफ का इन्वेस्टर होता हूं, मैं पता क्या करूंगा, मैं उनके शेयर बेचूंगा और क्या खरीदूंगा, सीरियसली मैं क्या खरीदूंगा, एलआईसी खरीदूंगा, देखो एक दिन का मत देखो, एक साल का देखो, एक साल में इतना बढ़ा है, वे क्यों बढ़ा है, अभी इसको एक साल ही हुआ है लगभग, क्या बोलते हैं, लिस्टेड हुए, ठीक है, वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया था, इसका पी देखो खाली कितना है, वो भी इन दो दिन में बड़ा 12 हो गया, केवल 12 पी है, केवल 12 कितना पी है, केवल 12 पी है, तो क्या करें, हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, हम इसका फायदा उठाना चाहिए, और ये फायदा हम आर्बिट्रेज प्रोसेस से उठा सकते हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस मतलब जो महंगा शेयर है वो बेचो और सस्ता खरीदो, सस्ते का मतलब ऐसा नहीं है तो स्पाइस जेट खरीद के बैठ जाए, सस्ते का मतलब ये नहीं तो फ्यूचर कंज्यूमर खरीद के बैठ जाए, सस्ते का मतलब जिसमें रिस्क सेम है, समझना, रिस्क सेम है, रिटर्न सेम है, लेकिन ये महंगा है और सस्ता है तो क्या होगा, जैसे आप ये शेयर बेचना चालू करोगे ये कम होने लग जाएगा, भाई यहाँ ये बेचोगे तो इसके अंदर क्या सप्लाई आने लग जाएगी, सप्लाई आएगी तो ये कम हो जाएगा, पैसे का क्या करोगे, एलआईसी खरीदोगे, एलआईसी बढ़ने लग जाएगा, एक टाइम पे दोनों का लेवल लगभग सेम सा आ जाएगा, और जब लगभग सेम सा आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद लोग एलआईसी भी बेचना स्टार्ट कर देंगे, फिर वो तीसरा इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे सेम इंडस्ट्री के अंदर, समझना मेरी बात, और एग्जाम्पल लेते हैं, उनका पीक आ गया, वेरी गुड, उनका पीक आ गया, और ये सब चीजें हम देखते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीरियसली इन सब चीजों को देख के इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हाँ फ्यूचर ग्रोथ इज ऑल्सो, बट हम बात करें अगर सेम रिस्क है, सेम रिटर्न रिवार्ड है, तो हम इन चीजों को देखा जाता है, पी इज द बेस्ट वे टू डिसाइड, बट इट इज नॉट ए अल्टीमेट, ये हमेशा शेयर मार्केट में कोई भी चीज अल्टीमेट नहीं हो सकती है, लेकिन वो एक तरीका हो सकता है, इनमें बेस्ट ही है, और एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करना, अच्छी बात है, अब अगर मुझे आज खरीदना होगा तो इसको ना खरीद कर कुछ और खरीदना पसंद करूंगा, कौन सा अगर मुझसे आप पूछोगे, हालांकि हो सकता है यहां पर मैं थोड़ा सा इंफोसिस, क्योंकि इसके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा, इसे पी देखो उससे 5 कम है, आई थिंक आप पूछोगे तो आधे जने बोलेंगे इंफोसिस बहुत अच्छी कंपनी, आधे जने बोलेंगे टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन दोनों का अगर हम देखें लेवल तो टीसीएस इज फार बेटर, उसका उसका एक अपर लिमिट आ गई, अब हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और मैं करना चाहता हूं किस में, आईटी फील्ड में, तो मैं टीसीएस की जगह प्रायोरिटी किसको दूंगा, इंफोसिस को दूंगा, और आप देखना, ठीक है, कुछ टाइम बाद इंफोसिस है वो थोड़ा सा बढ़ेगा और उस लेवल देखो 10% गिर गया और वो इतना नहीं गिरा, ठीक है, तो अब और एंड टाइम पे 5 साल में वो चीज इंक्रीज हो चुकी है, तो अब मुझे इन्वेस्टमेंट कौन सा करना चाहिए, और एग्जांपल लेते हैं, विप्रो, विप्रो का पी खाली कितना है 18, ठीक है, तो अब मैं इन्वेस्टमेंट कहां करूं, जहां पर अब देखो टीसीएस
इन्फोसिस एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ एक सेम लेवल पे चलनी है और सेम रिस्क है, हालांकि शायद मैं यहां पर गलत हो सकता हूं कि टीसीएस में रिस्क रिटर्न रिवार्ड कम है, रिस्क कम है और विप्रो में रिस्क ज्यादा है, तो इनका कंपेरिजन शायद नहीं हो सकता, लेकिन हम आज कंपेयर करते हैं इनको। कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, टीसीएस में एक लेवल तक पहुंच गया तो अब लोग क्या करेंगे, यार मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे ग्रोथ चाहिए, तो टीसीएस तो अपर लिमिट पे आ गया, तो लोग टीसीएस को बेचेंगे और विप्रो खरीदेंगे। विप्रो खरीदेंगे तो क्या होगा, विप्रो की डिमांड बढ़ेगी, टीसीएस की सप्लाई बढ़ेगी, तो एक टाइम पर दोनों का लेवल सेम आ जाएगा। लेवल कभी भी अमाउंट से डिसाइड नहीं होता, उसके लिए रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया। तो मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो पकड़ में आया, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस इसी का फायदा आपको देता है। जैसे कि सुनो, दोनों कंपनियां सेम नेचर की है, ठीक है, अपनी छवि है, छवि की स्पेलिंग मेरे को आती नहीं है, CHHAVI, सक्सीड कर दिया ना, क्या बात, मैं सीख गया। छवि के पास एक्स लिमिटेड के 10% शेयर है, ठीक है, फिलहाल छवि क्या करे, यहां करते हैं इसको, छवि सेल 10% शेयर इन एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो अगर एक्स लिमिटेड ने बेच देती 10% शेयर, तो इसको कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे इसको, इसको मिलेंगे 10,000 इंटू 10% इंटू 12, ये तो होगा 12,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। नाउ छवि परचेज, नाउ छवि परचेज 10% शेयर, भाई मैं अपनी रिटर्न कम नहीं करना चाहता, 10% शेयर इन वाई लिमिटेड। अब वाई लिमिटेड में अगर ये शेयर खरीदती है, इसके कितने रुपए हैं, 12,000 रुपए हैं, तो अगर ये खरीदती है 12,000 रुपए, तो यहां पर इसको कितने शेयर मिल जाएंगे, आप समझने की कोशिश करना, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तो इसको पता कितने शेयर मिल जाएंगे, कि 1200 शेयर परचेज कर लेगी, शेयर इन वाई लिमिटेड कितने परचेज करेगी, 12,000 रुपए है एक शेयर की, 10 रुपए कितने खरीद लेगी, 1200 रुपए, 1200 शेयर परचेज कर लेगी। अब इसकी इससे देखो अर्निंग बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, एडिशनल अर्निंग बढ़ गई, एडिशनल अर्निंग कितनी बढ़ गई, न्यू अर्निंग कितनी हो गई, न्यू अर्निंग हो गई फिलहाल 40,000 में इसका जो होल्डिंग है 10,000 में, इसकी होल्डिंग 12% हो गई, ठीक है। तो न्यू अर्निंग कितनी होगी इसकी, 40,000 इंटू 12% कितना, 4,800, और लेस एग्जिस्टिंग अर्निंग कितनी होगी, 4,000। इसने आर्बिट्रेज प्रोसेस की हेल्प से कितना कमा लिया, एक्स्ट्रा अर्निंग कितनी कमा लिया, 800 कमा लिया। ये आर्बिट्रेज प्रोसेस हो रही है। और शिव बाबू, ये टॉपिक अगर आप समझोगे तो भविष्य में अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर मार्केट से कमाना है, देखो मार्केट में दो तरह के इंसान होते हैं, एक तो मेरे जैसे इंसान जो फालतू होते हैं, जिनको पैसा पड़ा होता है डाल दिया मार्केट में, बोलता ना मैं मेरे बेटों के बेटे बेचेंगे, ठीक है, वो मार्केट से कमा अच्छा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पता नहीं कब कमाएंगे, मतलब हम जितना आप नहीं कमा पाओगे, लेकिन हमको कमाने में बहुत समय लगेगा। और एक आप जैसे होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, तो ट्रेडर इसी पॉलिसी से वो कमाते हैं, जैसे अभी मेरे कैश ऑन डिलीवरी, शॉर्ट टर्म में बताओ, लॉन्ग टर्म छोड़ो, ठीक है, तो आर्बिट्रेज प्रोसेस में लेते हैं, उनको रिसर्च करनी पड़ती है, बोलते हैं ना ये बड़ी बड़ी कंपनी रिसर्च करती है, रिसर्च किस चीज की करती है, वो रिसर्च इस चीज की नहीं करती कि कौन सी कंपनी इन्वेस्ट अच्छी है, वो इस चीज की रिसर्च करती है अभी कौन सी कंपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोनों में बहुत फर्क होता है, अभी कौन सी कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो पता नहीं कितने सारी चीजें देखती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करती है। वो अगर जैसे अभी आप CNBC या कोई भी आप चैनल देखते हो, तो उसमें दो तरह की ओपिनियन बताते हैं, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, HDFC खरीद लो, लेकिन भाई मेरे को तो एक महीने में करने हैं पैसे, तब कौन सा खरीद लो, ठीक है। अब एक महीने में कैसे, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर आज से 4 दिन पहले किसी ने SBI खरीद लिया था तो 8% कमा लिया, 10 दिन मान लो, 10 दिन में अगर 8% होता है तो बहुत होता है, ठीक है। तो वो कैसे कमाते हैं, इसी प्रोसेस से कमाते हैं। पिछले कुछ दिनों में एक्सिस और ICICI बैंक शानदार तरीके से भागे, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट आज करना, वो ICICI बुरा नहीं है, एक्सिस बुरा नहीं है, लेकिन आज अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है
तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां पर अभी ग्रोथ इतनी नहीं, मतलब जिसकी वैल्यू अभी डिक्लाइन है, ठीक है। मैं क्या करूं, आईसीआई से पैसे निकालूंगा, एक्सिस से पैसे निकालूंगा और किस में डालूंगा, एसबीआई में डालूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर आईसीआई बैंक गिरने लग जाएगा, एसबीआई बढ़ने लग जाएगा, एक टाइम बाद पी रेशियो लगभग सेम सा आ जाएगा, लगभग सेम सा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस में इंसान दो तरीके से कमा सकता है। सर क्या बात करते हैं, कैसे कैसे कमा सकता है? पहला, सेम रिस्क विथ मैक्सिमम रिटर्न। दूसरा क्या होता है, सेम रिटर्न विथ, सेम रिटर्न विथ मिनिमम। अब बोलो सर इसका क्या मतलब हुआ केशव, आपने कौन सी कंपनी का शेयर खरीद रखा है? फिलहाल कोई कंपनी का नाम बताओ। आईसीआईसीआई बैंक में खरीद रखे हैं, कितने रुपए लगा रखे हैं? आइडिया बता दे, कोई भी तुक्का बता दे। 5-1 लाख रुपए लगा रखे हैं, एग्जाम्पल ले लो, 5 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैंक में लगा रखे हैं। क्या रिस्क है आपके पास, रिस्क क्या है? रिस्क है 5 लाख रुपए डूबने का। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम रिस्क बोलते हैं कि मैक्सिमम क्या डूबेगा, 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं डूब सकते। देखना, सेम रिस्क विथ मैक्सिमम रिटर्न, आराम से ओए, एक्स कंपनी में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, वही इन्वेस्टमेंट अगर मैं वाई लिमिटेड में करूं तो मेरी रिटर्न क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये मैं पढ़ चुका हूं, सेम रिस्क, मैं रिस्क उतना ही लेना चाहता हूं जितना एक्स में था, लेकिन मेरी रिटर्न मैक्सिमम कैसे हो जाए, इस तरीके से हो सकती है। कैसे, कि मैं सेम रिस्क और जो पैसा आया उसको सेम दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूं तो वहां पर मेरे को मैक्सिमम रिटर्न मिलने लग जाए। एक तो आर्बिट्रेज प्रोसेस इस तरीके से सर्वाइव कर सकती है। बोलो समझ में नहीं आया तो बोलो, आया समझ में, पक्की बात। दूसरा तरीका और क्या, मैं सेम रिटर्न चाहता हूं विथ मिनिमम रिस्क, मतलब जितना पैसा मैं एक्स में कमाता उतना ही मैं वाई में कमाना चाहता हूं, बट मैं मेरा रिस्क कम करना चाहता हूं, मतलब इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता हूं। कैसे, इसको समझे, लिखने के लिए मौका दूंगा आपको, टेंशन की बात नहीं है, इवन लिखाऊंगा मैं कैसे। सेकंड वाले को हम समझे तो कैसे समझेंगे, कितना शेयर बेचा मैंने, 10% शेयर सेल किया कितने में, 40,000, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 10,000 का मेरे पास कितना होल्डिंग था, 10% होल्डिंग था और एक की वैल्यू कितनी, 12 रुपए, तो 12,000 आ गए, ठीक है। अब नाउ मुझे तो सेम रिटर्न चाहिए ना, नाउ बाय 10% शेयर इन वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड में भी कितने शेयर खरीद लूं मैं, 10% शेयर खरीद लूं, तो वो 10% शेयर खरीदूं तो 10,000 का 10% शेयर खरीदूं, एक शेयर कितने का आता है, कितने रुपए लगे, 2,000 रुपए का सेविंग हो गया। आपके रिटर्न पे फर्क पड़ा क्या, रिटर्न में क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि एक्स में भी 10% कमा रहे थे, यहां भी 10% कमाओगे क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट यहां कितना कर रखा है 10 और यहां भी कितना कर रखा है 10 कर। ये दो तरीके से आर्बिट्रेज प्रोसेस में पेमेंट कमाया जा सकता है। बोलो समझ में आएगी कि क्या बोले गौरव, बोल। और यही खेल लोग खेलते हैं, सीरियसली लोग यही खेलते हैं, ठीक है। अभी मार्केट आपका भागा, लेकिन जो शेयर पहले भाग चुके वो कम भागे, और जो शेयर पहले बहुत भाग चुके, ठीक है, वो कम भागे, और जो शेयर पहले नहीं भागे थे वो बहुत भागे, क्योंकि लोगों को लगा कि यार यहां तक तो हम पहुंच चुके। अच्छा, जब मार्केट स्टेबल होता है ना, तब लोग इस चीज से ज्यादा कमाते हैं। अब बहती गंगा में तो सब हाथ धो सकते हैं, अभी मार्केट भाग रहा है ना, लगभग सब भाग रहे होंगे, लेकिन एक टाइम बाद ये लगभग स्टेबल सा हो जाएगा,
इस 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, तो उसमें क्या आएगा? लोग यही करेंगे। एक टाइम पर एक शेर था बाटा, उसने पता नहीं कितनों को काटा, ठीक है, मस्त भागा। हम मैंने भी कोई पूछता था उसके बारे में बोलता था, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन ठीक है वो एक लेवल तक पहुंच गया, 1000 से 1500 तक डेली मैंने एंजॉय करी उसकी, 1500 पे आ गया, अब ये एक लेवल तक भागेगा, बेचो उसको, दूसरा खरीदो, ठीक है। तो वो सब चीजें आर्बिट्रेज प्रोसेस ही आपको बताता है। अच्छा, इस प्रोसेस को हम हमारे दिमाग में तो ही ऐसा होता है, लेकिन इस प्रोसेस को कोई नाम दे, उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं। बोल सभी समझ में आएगा? सुना मैम विकी, पक्की बात? क्यों रवि, लिखा दूं? लिखो आर्बिट्रेज प्रोसेस। लिखो, वी नो दैट ऑल इन्वेस्टर्स आर रेशनल, ऑल इन्वेस्टर्स आर रेशनल एंड दे नो, एंड दे नो एवरीथिंग अबाउट मार्केट। लिखो नेक्स्ट लाइन में, विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच we sell shares, we sell shares at higher rate and purchase shares at lower price, at lower price, at lower price, ठीक है, हम सस्ता खरीद लेंगे, in the same industry, let understand, sorry, next slide लिखो पहले, arbitrage process help us in two way, first same risk with maximum return. Second, same return with minimum risk. ठीक है, एक example कर लेते हैं, example से समझते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। लिखो example, ये लिखा दूं है ना, ये example लिख लो जो लिखा हुआ, खाली example लिखना, ठीक है, एक्स वाई ईबीआईटी वाला एग्जाम्पल लिख लो फटाफट से। लिख लिया, अब लिखो छवि एक्वायर 10% शेयर, एक्वायर मतलब छवि हैज, लिखो छवि हैज 10% शेयर इन एक्स लिमिटेड, कैलकुलेट बेनिफिट
यूजिंग आर्बिट्रेज प्रोसेस, यूजिंग आर्बिट्रेज प्रोसेस, लिखो फर्स्ट सेम रिटर्न, सेम रिटर्न, वो लिख लो ना, सॉरी सेम रिस्क लिख लो, सॉरी सेम रिस्क विथ मैक्सिमम रिटर्न, सेम रिस्क विथ मैक्सिमम रिटर्न. सेकेंड सेकेंड सेम रिटर्न विथ मिनिमम रिस्क. आपके सामने इसका आंसर लिखा हुआ है पहले का. फर्स्ट लिख लो, पहले वापस हेडिंग डाल लो और ये वाला कर लो, यहां तक वाला, यहां तक कर लो पूरा. समझ में आ गया नहीं? ये हम कैसे कमा सकते हैं? और ये तो बाय डिफॉल्ट चीज है सर, जब दोनों सेम कंपनियां हैं, एक्स कंपनी महंगी है तो बेचो ना उसको, वाई खरीदो. गौरव बोल, पकड़ में आ गया? अब लिखो सेकंड, सेम रिटर्न विथ मिनिमम रिस्क. इसको मैं एक बार कंप्लीट कर दूं, ये तो सेविंग इन इन्वेस्टमेंट हो गई इसकी, लेकिन अर्निंग पे फर्क पड़ा क्या? लिखो एग्जिस्टिंग अर्निंग कितनी हुई देखो इसकी, एग्जिस्टिंग अर्निंग कितनी थी इसकी, 40,000 इंटू 10% कितनी, 4,000. और न्यू अर्निंग कितनी होगी, न्यू अर्निंग भी कितनी होगी, 40,000 ही कमा रहे ना, इंटू 10% कितना, 4,000. तो रिटर्न बढ़ी गया नहीं ना, देखो सेम रिटर्न, रिस्क इतना कम हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया, रिड्यूस रिस्क, इंक्रीज डिक्रीज हो गया. कंप्लीट कर दो इसको, सल्टा उसको.
तो ये समझ गई भाई, है ना, सिंपल प्रोसेस थी, एग्जाम में आएगी तो हम इसको लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। अब लिखो, इन एनी इंडस्ट्री देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्म, फर्स्ट लिवरेज फर्म, सेकेंड अनलिवरेज फर्म। फर्स्ट लिवरेज फर्म, सेकेंड अनलिवरेज फर्म, फर्स्ट लिवरेज फर्म, सेकेंड अनलिवरेज फर्म। बता सकते कोई लिवरेज क्या होता है, अनलिवरेज क्या होता है, कोशिश कर। लिवरेज इज इक्वल टू लिख लो डेप्ट प्लस इक्विटी। लिवरेज मतलब रिस्क होता है, ठीक है, और अनलिवरेज मतलब ओनली इक्विटी। ठीक है, अब लिखो आराम से, लिखो इन दिस केस ऑल्सो इन्वेस्टर सेल शेयर्स ऑफ द फर्म विच इज हायर वैल्यू। And buy the shares which value is lower. ठीक है, is lower, ठीक है। लिखो अगली लाइन, मोदीलानी मिलर अप्रोच, कंसिडर consider NOI approach, consider NOI approach where KO is constant irrespective of use of debt. Use of debt, NOI approach, यही तो बोलते थे, KO remains same, and the impact of use of use of debt is on K. That mean debt impact on K. That mean KO of leverage firm is equal to KO of unleveraged firm. KO of unleveraged firm. मतलब दोनों का केओ हमेशा सेम रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। चलो जी एक बार समझ लें इसको, एक बार आओ जी। देखो हमारे कौन से क्वेश्चंस बाकी थे, 7 का 8 का 9 का कर लिया था ना आपने, 10 का बाकी था, 11 का बाकी था, उसके अलावा कोई बाकी थोड़ी था, 10 के और 11 के अलावा। देखो जा 10 का और 11 के अलावा कोई बाकी नहीं था, चेक करो एक बार, लगभग आइडिया लग जाएगा। 13 का हो गया था, 14 का हो गया था, 15, 16, 17 हो ही गए थे, ठीक है ना। अब देखो पहले 11 का तो हम कर सकते हैं खुद ही, कैसे, देखो देर आर टू कंपनीज एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड हैविंग सेम ईबीआईटी 20,000, एम लिमिटेड लिवरेज कंपनी हैविंग डेप्ट ऑफ 1 लाख, 7% इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ
इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड इज 10% एंड एम लिमिटेड 11.5%। हाउ द आर्बिट्रेज प्रोसेस इज कैरिड ऑन, तो इसमें वही बात कि अब देखो इसमें हमारे दो कंपनी है, दोनों सेम कमाती है, ठीक है, दोनों सेम कमाती है, लेकिन एक के पास डेप्ट है और एक के पास क्या है, इक्विटी है। तो हम कैसे इस चीज में फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो जो कंपनी महंगी होगी उसको हम क्या करेंगे, बेच देंगे, और जो कंपनी सस्ती होगी उसके शेयर खरीद लेंगे। ऐसा ही करेंगे, आपको अभी मैं करवा दूंगा, ठीक है, कर लें 11 का एक बार करके देखते हैं कैसे क्या होगा। आओ जी, और इसी की मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है। अब देखो इसमें इसने क्वेश्चन नहीं पूछा, इसने आप पे ले लिया कि आप इसको प्रूव कर दो, खाली हमें मतलब ही नहीं कि थ्योरी क्या लिखी हुई क्या नहीं लिखी हुई, इसने बोला प्रूव कर दो, प्रूव कर देते हैं। आओ जी, इसी को यहीं पे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को साथ साथ में करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है अभी, मुझे तो क्वेश्चन की जरूरत है थोड़ी सी, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आओ देखो, दो कंपनी है, एक तो पर्टिकुलर एन है और एम है, आप अभी करो तो मेरे साथ कर लो, नहीं बाद में करो तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आओ देखो क्या लिखा हुआ है, शांति से, आपका ईबीआईटी कितना कितना है, 20,000 एंड 20,000, ठीक है। अच्छा ये एन लिमिटेड कौन सी है, एम लिमिटेड, एम लिमिटेड लिवरेज है, अरे यार ठीक है, ये लिवरेज है और ये अनलिवरेज है, तो लेस इंटरेस्ट कितना, 7,000 सॉरी 20,000 और 13,000, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा, यहां पर ये आपका आ गया EAT/NI, अभी मत करना इसको प्लीज, EAT/NI आ गई, ठीक है। अब अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं कैसे, डिवाइड बाय K, K मुझे दे रखी है कितनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी N की कितनी है और इसकी है 11.5%। ये सब मेरे को पता है ना, आपको सब चीज आती हुई, मैं ज़ूम करता हूं तो आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ गई, 2,00,000 एंड 13,000, ठीक है। और अगर मुझे वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है तो इसकी तो 2,00,000 आ जाएगी और इसकी 2,13,043 आ जाएगी, ये 2,00,000 समझ में कैसे है, 2,00,000 आ गया, इसमें इक्विटी वैल्यू 1,13,000 और डेप्ट भी तो इसके अंदर 1,00,000 रुपए के, ठीक है। कौन सी कंपनी महंगी हुई, कौन सी कंपनी महंगी हुई मुझसे बोलो, एम लिमिटेड महंगी हुई, तो मैं क्या करूंगा, एम को बेचूंगा और एन को खरीदूंगा, ठीक है। अब सुनो एक बार के लिए समझो, इसने तो इतना ही क्वेश्चन दे दिया, मुझे जो पर्सनली लगता है, हालांकि अब मैं जो आपको कराऊंगा उस लेवल की चीजें आपके एग्जाम में नहीं आती, ये बहुत भारी चीजें कर रहा है। अच्छा क्यों नहीं आती, आज तक नहीं, इसलिए मॉड्यूल में दे रखा है क्या, इसलिए करा रहा हूं, सीधी सी बात है, क्यों करा रहा हूं मॉड्यूल में, मॉड्यूल के अलावा आपने कुछ नहीं आता, साफ बात, हम कुछ करते ही नहीं, बात ही नहीं करते मॉड्यूल के अलावा, मॉड्यूल में दिखाओ एक एक चीज करेंगे अपन, ठीक है, लेकिन इतना नहीं आता। अगर बाय द वे कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको बोल देगा कि ये करो, जैसे अपने क्वेश्चन किए थे 8, 9, 10, उसमें लिखा हुआ था वैल्यू निकालो, इसमें तो मैंने सपना देख लिया, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं होती ना, ये भी तो खाली इसने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मैं माता खराब हो गया, आर्बिट्रेज प्रोसेस यूज में कैसे लूं, क्योंकि आर्बिट्रेज प्रोसेस में एक कंपनी बेचो दूसरी खरीदो, बेचो कौन से, जरूरी सपने नहीं आई मेरे, इसलिए हमें वैल्यू ऑफ फर्म तो निकाले, तो मुझे कौन सी बेचनी चाहिए, एम बेचनी चाहिए और एन खरीदनी चाहिए। और इसने हेडिंग देखो उसने क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट किस चीज का है, ठीक है। अब लेट अस ज़ूम करें, पक्का लेट अस ज़ूम करें, करो, किसको बनाए,
अब ये क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया, तो मेरे को इस क्वेश्चन की जरूरत ऐसा सच नहीं है, क्वेश्चन तो आपने लिख लिया। जाएंगे ठीक है ना अपने। हाँ, लेट अज्यूम शिव। शिव क्या, तू तुषार के साथ क्या करता रहता है पता नहीं, यो यो पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भगवान जाने। उसको शांति रहने दिया कर थोड़ी देर। तो तू हंस रहा है, वाह भाई वाह। लेट अज्यूम शिव हैज टेन परसेंट शेयर एंड 10% डिवेंचर इन एम लिमिटेड। ठीक है, ये कहानी है इसकी, अच्छी बात है। अगर अच्छा मैं एक चीज अज्यूम कर लूं, और अगर आप बोलो तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो शेयर्स हैं दोनों में सेम सेम होंगे, सेम मतलब दोनों के पास 1 रुपए 10 रुपए की फेस वैल्यू होगी लगभग लगभग, ठीक है ना। चलो अब सुनो, आगे चलते हैं। 10% शेयर और 10% बेचूं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सेम, बोलो कौन सा करें, सेम रिस्क वाला करें, सेम रिटर्न वाला करें, जो आप बोलो कर देंगे, सेम विथ मैक्सिमम रिस्क। ये कौन सा है रिस्क वाला, ये ठीक है तू ठीक है। चलो सेम रिस्क विथ मैक्सिमम रिटर्न, ठीक है। अगर मैं सेम रिस्क और सेम रिटर्न चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सोल्ड कर दूंगा, सोल्ड 10% इक्विटी। आंसर सोल्ड कर दिया मैंने, सोल्ड 10% इक्विटी एंड डेप्ट एंड रियलाइज कितना रियलाइज कर लूंगा, ठीक है। रियलाइज होगा, शांति से सुनो, 113,043 इंटू 10% प्लस 1,00,000 इंटू 10%, इतने पैसे आएंगे ना मेरे पास, 11304 और 10,000 कितने आ गए, 21304। बोलो ओके है क्या, कोई दिक्कत तो बोल देना अभी प्लीज। ऐसा ही है, बोलो हाँ है ना, ठीक है। मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने इतने बेच दिए, अब मैं ये बेचूंगा तो क्या खरीदूंगा, एन खरीदूंगा, ठीक है। नाउ एक्वायर 10% इक्विटी, सॉरी ना एक्वायर इक्विटी इन एन लिमिटेड। तो अब सुनो, मेरे पास कितना आ जाएगा माल, मेरे पास कितने रुपए का माल आ जाएगा, मेरे पास कितने शेयर्स आ जाएंगे, हम बात करें तो मेरे पास आ जाएगा 21,304 रुपए के आएंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 2,00,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा, कितना परसेंट शेयर आ जाएंगे, 10.65% शेयर आ जाएंगे, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो मेरा अधिकार इसमें 10.65 हो गया। अच्छा मैं इतना इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ शेयर मेरे को नहीं दे रहे, तो मैं निकाल रहा हूँ मेरा काम, ठीक है ना। चलो 10.65 कमा लूंगा। अब मेरी अर्निंग पे क्या फर्क है, मैं क्या चाहता हूँ, सेम रिस्क, रिस्क कितने का, 21,304 का, बट रिटर्न मैं मैक्सिमम चाहता हूँ ना। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल अर्निंग, एडिशनल अर्निंग, ठीक है। न्यू अर्निंग कितनी होगी, न्यू अर्निंग होगी मेरी 20,000 इंटू 10.65%, बताओ कितना आएगा, 21,030 इतनी होगी, 21,030 होगी, ठीक है। लेस एग्जिस्टिंग अर्निंग, एग्जिस्टिंग अर्निंग कितनी आएगी, सुनो इसमें दो आएगी, एक तो फर्स्ट और सेकंड, एक तो उस कंपनी में कमाता था, एक तो इंटरेस्ट,
एक तो इंटरेस्ट कमाता था, एक क्या कमाता था, प्रॉफिट भी संभाल लू, अर्निंग, अर्निंग तो आएगा कितना, 7,010% कितना, 700, ठीक है 700, और वो कमाता था मैं इसकी 13,000 का 10% कितना 1300, कितना कमाता था 2000, एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं। समझने वाला समझ सकता है, बहुत शानदार चीज कराई है मैंने, कैसे लोग फायदा उठाते हैं इसका। नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझा सकता हूं, लेकिन चीज बड़ी शानदार है। एग्जिस्टिंग वाला नहीं है, एग्जिस्टिंग मैंने क्या खरीद रखा था, 10% शेयर एंड 10% डिबेंचर खरीद रखे थे, तो मेरा अधिकार था जो भी इंटरेस्ट है उसमें 10% का, और जो इक्विटी शेयर होल्डर का था प्रॉफिट उसमें 10% का। तो 7,000 का, 13,000 का, 20,000 का, 10% 2,000 कमाता था, तो 7,000 का 10 ले लिया, 13,000 का 10 ले लिया। हमदत्ता बोल बेटा, अभी ऑनलाइन वाले प्राणी बोलो आज तो बोल सकते हो, 3 हो गए ऑनलाइन, वाओ। एक अपना अजय है, मन शिखा सिंघानिया 34। हाँ बेटा, आपने बना के दी थी ये वाली, इसको ईमेल आईडी वाली, अच्छा इस ईमेल आईडी, अच्छा चलो थैंक यू। नहीं समझ में तो बोलो पक्का, ये मैंने किया भी, सेम रिस्क विद मैक्सिमम। अब मैं क्या कर सकता हूँ, रिस्क कम करना चाहता हूँ, रिटर्न सेम रहना चाहता हूँ, तो मैं 20,000 इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है। सेकंड क्या है, सेम बोलो विथ मिनिमम रिस्क, ये सिंपल है। अगर वो समझ में आ गया जिसमें भारी नहीं है, क्यों, अब रियलाइज्ड कितने 21,304, बट एक्वायर ओनली 10% होल्डिंग, ठीक है। सो अमाउंट रिक्वायर, अमाउंट रिक्वायर वैल्यू फॉर्म इनटू 10%, 2,00,000 इनटू 10%, 20,000। सो सेविंग, सो सेविंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, सेविंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 21,304 माइनस इज इक्वल टू, ठीक है। एंड रिटर्न बताऊं, नाउ रिटर्न विल बी, विल बी पर्टिकुलर अमाउंट एग्जिस्टिंग, कितनी 20,000 कमा रहा है ना, इंटू 10%, 2,000 न्यू वाली, 7,000 डिबेंचर का इंटू 10% प्लस 13,000, अच्छा कोई बात नहीं, मेरी गलती तो अलाउड है ना बेटा, अब सही है। बोलो समझ में आएगा, पक्का समझ में आया, लिख लो फिर, हेरा बारी तो सा लिखना पड़ेगा। हाँ जी मैंने भी तो लिखा है, जब मैंने लिखा है और आपको नहीं लिखने जैसा थोड़ी होता है। पहले एग्जांपल लिख लो, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11, ठीक है ना, नोट्स का मॉड्यूल का सबका है। हाँ बेटा इनको लिख लेंगे, गरीबों को यार, गरीबों की पीड़ा भी समझा करो अभी तो। हाँ बेटा लिखो,
अच्छा, वो मैडम आई, मैडम ही, मैडम ही बोल, कौन सी मैडम जो तुम्हें ऐसे वो पढ़ाती ना? हाँ हो गया? नहीं। कर लो यार। किसकी? अपने को थी। उसको माइक परसेंट चल रहा है मेरा LIC में प्रॉफिट, 28% LIC में।
1000 रुपए का बेचूंगा बता देना तुम्हें, और ये विश्वास रखो तुम्हारी सी बनने से पहले ये 1000 बन जाएगा, 1000 का हो जाएगा कंफर्म। वो सर इंटर क्या दू, मैं बैट नहीं लगा सकता, हो सकता है उससे पहले हो जाएगा क्योंकि मार्केट भागेगा और गवर्नमेंट कंपनी है, मोदी सरकार है तो गवर्नमेंट कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, हो सकता है आपसे पहले भी हो जाए, बट आज से 2 साल बाद तो ये कंफर्म हो जाएगा, 2 साल में भी 20% रिटर्न तो दे ही रहा है कम से कम, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, हो सकता है ये मेरे को जो ओपिनियन लगता है अगले 2 साल में, मेरे को जो प्रश्न लगता है लेकिन मैं इतना बोलूंगा तो शिव हंसेगा, कम से कम 2500 रुपए का शेयर है 2 साल बाद, कम से कम 2.5 साल कम से कम 2500 रुपए का शेयर है, नहीं कर पाएंगे पूरा प्राइवेटाइजेशन बिक जाएगा। अभी खाली 5% होल्डिंग बेची है इसने, आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, टॉप 3 कंपनियों में से एक है ये कंपनी, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट को कितना स्टेक, मतलब कंपनी गवर्नमेंट 5-5 स्टेक भी बेचे ना तो गवर्नमेंट खूब सारा पैसा आ जाएगा, इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी शायद। डेब्ट हो जाए यार, यार भाई यूएसए पे भी डेब्ट है, हर ऐसी कोई कंपनी नहीं है इसका डेब्ट नहीं, कोई ऐसी कोई कंट्री नहीं इसमें डेब्ट नहीं है, 2-4 स्विट्जरलैंड जैसी कंपनी है छोड़ कर। हाँ तो बता दें 2-4 कंपनी में छोड़कर, जापान पे नहीं है शायद। चलो हो गया, करें आगे, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप बोलो तो मैं करवा देता हूं। क्या कर रखा है मैंने, क्या कर रखा है, एज्यूम सी हैज 10% शेयर, मैंने एज्यूम किया, एज्यूम सी हैज 10% शेयर एंड 10% डिबेंचर अनलिमिटेड, एक ऑप्शन हो सकता है, उसके बाद खाली क्या है 10% शेयर है खाली, तो उस केस में क्या होगा, और उसको रियलाइज कराएगा तो खाली कितने रियलाइज होंगे, 11304 रियलाइज होंगे, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट तो सेम करना है होल्डिंग के लिए, तो वो क्या करेगा 1,10,000 रुपए क्या कर लेगा, लोन ले लेगा एट द रेट 7%, ठीक है लोन ले लेगा 7% से, तो यहां पर पैसे इसके इतने हो जाएंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 10.65 हो जाएगा, न्यू अर्निंग कितनी होगी 2130 होगी। अब इसको नुकसान, अब न्यू अर्निंग इसको मैं चेंज कर दूं फिर करा देता हूं, पूरे करा देता हूं, अच्छा मॉड्यूल में आपके दोनों तरीके से कर रखा है इसलिए, ठीक है ना, वैसे कराया वो तो ही गया, अभी ऐसे भी सुनते कर ही लेते हैं, जब करना है तो करना है। हाँ अब एडिशनल अर्निंग कितनी होगी, पहले न्यू अर्निंग कितनी होगी 2130 होगी, बट शिव हैज टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 700, 10,000 × 7% कितना 700, तो इसकी न्यू अर्निंग कितनी होगी बताओ भी 1430 और लेस एग्जिस्टिंग अर्निंग, एग्जिस्टिंग अर्निंग खाली इसका 10% होल्डिंग किसमें था, 1,13,000 में समथिंग में था, ठीक है तो 13,000 में 10% कितना आएगा 1300, तो सेविंग कितनी होगी इसकी 130, इतनी पहले हो रही थी, देखो चेक करो, बस फर्क क्या है पिछले में दोनों में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, अब यहां पर एक में इन्वेस्ट किया तो बचा हुआ पैसा कहां से लाऊं, लोन पे ले सकता हूं, ठीक है ये कर लो, लिखो सेकंड और लगा के, और सेम और देखो और सॉरी शिव हैज 10% शेयर इन एम लिमिटेड, नाउ ही सोल्ड 10% शेयर इन एम लिमिटेड एंड टू होल्ड सेम परसेंटेज he take a loan of 10,000 at the rate 10%, at the rate 7%, ठीक है तो same risk with, अब लिख लो
सेम रिस्क विथ मैक्सिमम रिटर्न, सेम रिस्क विथ मैक्सिमम रिटर्न, इसमें आ जाए सोल 10% इक्विटी एंड टेक लोन $10,000 at 7%, ये हो गया सोल्ड और ये हो गया डेप्ट। अब कंप्लीट कर दो, सेम कैसे ये क्या वाले कर दो, दूसरा एंड देना चाहिए। आज तो आईटीसी की आग लगी हुई है, 2.5% भाग गया। किस तो रिस्क लेने की, मतलब बंधन बैंक ले ले यार, रिस्क लेने की मत, तो शॉर्ट टर्म वाले हम है नहीं, मतलब हम, हमको कोई पूछता ही नहीं, हम शॉर्ट टर्म वाले हैं, हम लॉन्ग टर्म वाले हैं। लो जी आपका ये कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पूरा हो गया, ये कहानी थी इस चैप्टर की पूरी। इसका एक छोटा सा चैप्टर करा दूं या फिर इंटरेस्टिंग चैप्टर कराऊं? ये भी इंटरेस्टिंग था, ऐसा ही वो भारी है, या फिर एक छोटा चैप्टर करा दूं एक दिन वाला? बोल, कल की चीजें टेस्ट है, एक दिन वाला कराएंगे तो लिवरेज कराएंगे, और अच्छा चैप्टर करना है तो वर्किंग कैपिटल कराएंगे। नहीं मतलब अभी तो है ना आधे घंटे घंटा, टेक्स्ट तो पढ़ेंगे। करो, फ्री करता हूँ, बाय बाय।